हमेशा यहाँ हो, जो मन की शांति यहाँ मिल रही है वो कहीं और नहीं मिल रही है। जी जी जी, मिलकर बोलो तो भाई। इस समय आप सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं मंदिर के गर्भगृह की, ये देखिए। दुनिया का एकमात्र ऐसा धाम जिसके बाहर लिखा हुआ है हारे को तेरा सहारा बाबा श्याम हमारा, राजस्थान के सीकर जिले की खाटू श्याम नगरी में श्री खाटू श्याम धाम है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। लोगों की आस्था है कि बाबा श्याम के दर्शन मात्र से बाबा श्याम जीवन में खुशियों के भंडारे भर देते हैं। खाटू श्याम का फाल्गुन मेला राजस्थान के प्रमुख मेलों में गिना जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन पूजन कर मन्नतें मांगते हैं और इच्छा पूरी होने पर अगले साल दोबारा आकर बाबा श्याम के दरबार में मत्था टेक उनका आभार जताते हैं। यह मेला 17 से 26 मार्च तक चलता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा खाटू श्याम धाम के दर्शन कराएंगे। आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मेरे सफ़र की शुरुआत जींद स्टेशन से हुई। खाटू श्याम जाने वाली ट्रेन का समय 20 मार्च तक शाम 4:30 बजे किया हुआ है। जींद से यह चलकर ट्रेन रोहतक, जुलाना, नारनौल, झज्जर, रेवाड़ी होती हुई राजस्थान के रिंगस स्टेशन तक आपको लेकर जाती है। रिंगस स्टेशन पर इसके पहुंचने का समय रात के 10:30 बजे है। हेलो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं रिंगस स्टेशन पर और ये देख सकते हैं मेरे पीछे स्टेशन का व्यू। तो दोस्तों, मुझे तो काफ़ी भूख लग रही है क्योंकि 4-5 घंटे का सफ़र करके मैं आया हूँ। ट्रेन में बिल्कुल रुक रुक के चली थी, तो चलिए अब हम खाना हो चुका है पूरा और मेरा तो पेट पूरा भर चुका है भाई। खाना बहुत लाजवाब, मज़ेदार, घना स्वाद खाना बना रखा था। खाने में आपको बता दूं मेरे को क्या मिला है। खाने में मेरे को आलू मटर दाल और नमकीन की जो सब्ज़ी होती है ना, नमकीन जो हम खाते हैं आलू वाली नमकीन, उसकी मेरे को सब्ज़ी मिली है। और रोटी भाई मेरे को भर पेट, चाहे मैं कितनी खाऊँ, मैं तो पूरी 10-12 रोटियाँ खा चुका हूँ और मेरा पेट बिल्कुल फुल भर चुका है। और रेट भी काफ़ी मतलब इनका जायज़ है, 60 रुपये में आपको भर पेट खाना खिला रहे हैं। तो चलिए अंकल से बात करा देते हैं, कौन सा ढाबा है, क्या नाम है इनका? नमस्कार जी, आपका और आपके जो ढाबा है इसका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल है, होटल का नाम है खंडेलवाल ढाबा। खंडेलवाल ढाबा। तो अंकल जी, जो मैंने खाना खाया 60 रुपए में भरपेट रोटी और ये 3 सब्जी, क्या ये सच है या मैं खाली आपके एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ? नहीं नहीं, ये सच है, 60 रुपए में खिला रहा हूँ भरपेट खाना, 3 सब्जी, सलाद, चावल और चपाती। चपाती कितनी खा सकते हैं? जितनी अगला खाए, पेट फुल भर जाना चाहिए अगले का। मैं खा चुका हूँ अंकल जी 10-12 चपाती, मेरा पेट बिल्कुल फुल भर चुका है। तो आपके ढाबे का एक बार और नाम बता दीजिए। खंडेलवाल ढाबा, रिंगस, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड। और अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या नंबर है? 89 49 52 52 07। ठीक। मंदिर में जाने का पैदल का रास्ता है, जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, बाहर आते ही आपको मेन चौक आ जाएगा, वहाँ से आपको देखिए ये पीपल का पेड़ मिलेगा आपको। पीपल का पेड़ जो भी मेरे पीछे है, पीपल के पेड़ से आपको लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ चलना है और वहाँ पर जो पुल है, पुल के नीचे से आपको लेफ्ट साइड में क्रॉस करना है, तो वहाँ से आप मंदिर का रास्ता। ये पुल है आपको पीपल के पेड़ से, आप जैसे ही लेफ्ट साइड में मुड़ोगे आपको ये देखिए ये पुल मिलेगा। इस पुल के आपको नीचे से जाना है, याद रखिए आपको इस पुल के नीचे से जाना है खाटू मंदिर के लिए। दोस्तों, पुल के नीचे सीधा चलते हुए आपको एक ऐसा राइट साइड में आपको मुड़ना होगा और आप देख सकते हैं कितने सारे मतलब श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं, आप बस इन्हें फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं श्री खाटू श्याम बाबा के जो मेन गेट है, मैं आपको देख सकते हैं पीछे। तो भाई ये रिंगस स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। जिसका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है वो पैदल मत आए, और 40 रुपये किराया लगता है टैक्सी का, आप टैक्सी में ही आ जाए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो टैक्सी में आए, 40 रुपये किराया लगता है, वरना 18 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। मैं तो भाई पैदल चल के आया हूँ और काफ़ी मज़ा आया, मतलब मेरे को थकावट ही नहीं हुई यार। Thank you.
तो दोस्तों अभी हो चुका हूँ मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हैं, और धर्मशाला से मैं निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सीधा मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो देखते हैं वहाँ पर मंदिर में कितनी भीड़ रहती है, क्या कुछ सीन रहता है, वो आपको आगे चल कर पता लगेगा। दोस्तों अगर आप मेरे को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार। दोस्तों अभी जो आप ये स्थान देख रहे हो ये सरकारी जगह है खाटू श्याम की, आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आप यहाँ पर नहा धोकर आप खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ से निकल सकते हैं। भाई धर्मशाला का बता देता हूँ, मैं रात को रुका था श्री वृंदावन सेवा ट्रस्ट की धर्मशाला में, और भाई मुझे लगभग 200 रुपये का रूम मिल गया था, पर्सनल रूम मेरा, उसमें से ही मेरे को छूट मिल गई थी। मैंने अंकल को बताया कि मैं ऐसे यूट्यूब पर इस तरह काम कर रहा हूँ, तो मेरे को 100 रुपये के अंदर रूम पड़ गया था, ठीक है, पूरी रात का, और आज भी मैं पूरी रात तक रुक सकता हूँ 100 रुपये के अंदर। तो दोस्तों अभी जो आप ये गेट देख रहे हो यहीं से खाटू बाबा दरबार में जाने के लिए एंट्री मिलती है, और दोस्तों काफ़ी भारी मार्केट है, मतलब आप यहाँ देखोगे काफ़ी भीड़ मिलेगी आपको यहाँ, और वैसे भी मेला लगा हुआ था, 17 मार्च को मैं गया था, मेला लगा हुआ था, होली का दिन था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मतलब भीड़ है यहाँ पर, ये देखिए आप। और ऐसा नहीं कि मतलब हरियाणा पंजाब से ही लोग आ रहे हैं, लोग इंडिया के मतलब केरल तक के लोग यहाँ पर मेले में आए हुए हैं, तो मतलब आप सोच सकते हैं कितना मतलब ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है खाटू श्याम बाबा का। तो दोस्तों ये मार्केट का सीन है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर खाटू बाबा की कितनी मतलब सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, आप अगर अपने घर के लिए भी कोई मूर्ति या कोई याद लेना चाहे जैसे कि आप खाटू श्याम गए थे, तो इस मार्केट में आपको अनेकों आइटम मिल जाएंगे, अनेकों आइटम मिल जाएंगे, आप कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हैं। तो भाई किसी भाई को नज़र उतरवानी हो तो बत्ती यहीं से मिलती है, देखो ये नज़र उतारने की बत्ती यहाँ मिलती है। बहनों भाई आप देख लो कितनी भीड़ यहाँ पर जुड़ गई, कितनी पब्लिक आ चुकी है, देखो निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, आप ये देखिए कितनी पब्लिक जुड़ गई। तो भी जो है आप देख रहे हैं श्याम बाबा के दरबार का एग्जिट गेट है, मतलब यहाँ से बाहर आते हैं दर्शन करने के बाद, तो जो अंदर जाने का रास्ता है वो मतलब पीछे की साइड से, आपको बिल्कुल सीधे चलते जाना अंदर की तरफ, वहाँ से आपको लाइन लगी हुई मिलेगी, वहाँ से आपको एंट्री गेट का रास्ता मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों काफ़ी भारी संख्या में लोग मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, देखिए आप। तो भैया लाइन में हमने एंट्री कर ली अब, और ये आप लाइन देखिए कितनी लंबी लगी है। Yeah.
लाइन घूमती जा रही है घूमती जा रही है, मतलब ये देखो आप। तो भाई साहब काफ़ी मतलब लंबी लाइन लगी हुई थी, मैं नहीं लगा लो ऐसे घूम घूम के मैंने 60-70 चक्कर काट दिए होंगे। ये देखिए आप कितनी लंबी लाइन है, ये देखो लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, देखो कितने लोग, ये देखो ये कन्फ्यूज हो गए, देखिए चलो चलो अंकल जी चलो जय श्री श्याम। तो दोस्तों अब हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं और ये देखिए आप भीड़ देखिए एक बार, जय श्री श्याम भाई जी। कहाँ से आए हो आप? जयपुर से। जयपुर से कितने बंदे आए हो? 6 जने। पहली बार आए हो क्या? नहीं, और बहुत बार आ गए। कैसा लगा आपको खाटू श्याम धाम? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? तभी दोबारा आए हो। जय श्री श्याम। बाबा तेरी जय जय कर। कहाँ से आए हो माता जी? आप कहाँ से आए हो? जयपुर से आए हो। जयपुर से कितने लोग आए हो आप? हम 5 लोग आए। 5 लोग आए हो? पहली बार आए हो? नहीं, हम 26 साल हो गए भैया। 26 साल हो गए। तो जो है हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं आप इनको क्या कहोगे, कैसा लगा आपको ये धाम? कैसा लगा आपको ये धाम? ये धाम हमेशा आने का मन करता है भैया। अच्छा। यही रहे ऐसा लगता है। यही रहे तो क्या कहोगे आप हमारे दर्शकों को? आपके दर्शकों को हम कहेंगे हमेशा यहाँ आओ, जो मन की शांति यहाँ मिल रही है वो कहीं और नहीं मिल रही। जी जी जी। बोल। देखो अरे डुगू डुगू के देखो वीडियो बन रही है। जय श्री श्याम बोलो। तो दोस्तों यहाँ से मतलब एक लाइन स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब लाइन में सिर्फ एक ही बंदे करके अंदर एंट्री करने दिया जा रहा था। ये देखिए दोस्तों कितनी धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पे। करने का समय आ चुका है, देखिए अब कितनी भीड़ श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भाई अब आपकी सीधे लाइव दर्शन होंगे खाटू श्याम मंदिर से। आपके लिए मंदिर का गर्भगृह। चलिए चलिए Go! 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 Go!
तो मैं दर्शन करके मतलब बाहर आ चुका था ये एग्जिट गेट से, जैसे मैं अपने आपको वीडियो में पहले दिखा दिया था। तो दोस्तों अभी जो आप ये कुंड देख रहे हो ये श्याम कुंड है, यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और दोस्तों भीड़ को देखते हुए मंदिर के पुजारियों ने 20 तारीख तक इस श्याम कुंड को बंद करके रखा हुआ है। भाई मैं तो नहीं देख पाया, लेकिन आप कभी जाओ तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको श्याम कुंड कैसा लगा। ये देखिए आप भक्तों में कितना खुशी का माहौल है। और चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आए हुए कुछ भक्तों से। जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो अंकल जी आप? काटावांजी उड़ीसा। कहाँ से? काटावांजी उड़ीसा। उड़ीसा से? हाँ जी। आप कितने जने आए हो, कितने लोग आए हो आप यहाँ पर? चार लोग आए हैं। चार, पूरी फैमिली आई है जी? बस साथ में बच्चे। तो कैसा लगा आपको? आप पहली बार आए हो यहाँ? दूसरी बार। दूसरी बार, कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उनको क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत आनंद आ रहा है और सबको, हर कोई को मतलब एक दफे आके दर्शन करना चाहिए। ठीक है अंकल जी, हैप्पी होली। जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो आप? आए हैं फरियाबाद से। फरियाबाद से। कितने लोग आए हो आप? तीन। आप और आपके बच्चे दोनों? पैदल आए हो वहाँ से, रिंगस से? नहीं नहीं, साधन से, गाड़ी से। तो कैसा, पहली बार आए हो आप यहाँ? पहली बार, पहली बार। चलिए तो कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा। अभी आप गए मंदिर के, हो गए अभी दर्शन आपको? हो गए। ठीक है। तो ये देखिए अभी सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीधी खाटू शाम से। और ये देखिए भक्तों में कितना खुशी का माहौल, और कितना खुशी का माहौल ये बना हुआ है।